बारी है डोंगरगढ़ की। डोंगरगढ़ में इस बार कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। डोंगरगढ़ खैरागढ़ डोंगरगांव राजनांदगांव की तरह छत्तीसगढ़ बनने के पूर्व भी ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ गठन के बाद 2003 से ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के खाते में रह गई है। 2003 में विनोद खांडेकर ने अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री धनेश पाटिला को हराकर जीत हासिल की थी। 2008 में एक बार फिर धनेश पाटिला भारतीय जनता पार्टी के रामजी भारती के खिलाफ मैदान में थे, लेकिन वो दूसरी बार पराजित हुए। 2013 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। इस बार सरोजनी बंजारे को मैदान में उतारा, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर थानेश्वर पाटिला को चुनावी रण में उतारा। इस बार यहां से सरोजनी को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदलते हुए भुवनेश्वर शोभाराम बघेल पर चुनावी कमान सौंपी है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है, लेकिन मुख्य रूप से सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होने वाला है। इस विधानसभा सीट में सतनामी समाज के वोटरों की संख्या ही इस सीट का फैसला करती है। इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है।